आइए जानते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। बात स्पोर्ट्स की, खेल जगत में क्या खास हो रहा है। सबसे पहले बात वर्ल्ड कप 2023 की। जी हाँ, भारतीय पेसरों ने बरपाया कहर तो सहवाग समेत कई पूर्व क्रिकेटर्स हुए खुश। क्या क्या बातें कही जानेंगे जरूर। महिला हॉकी में भारत एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचा। खबर विस्तार से। सबसे पहले बात वर्ल्ड कप 2023 की। भारतीय पेसरों ने बरपाया कहर तो सहवाग समेत कई क्रिकेटर खुश हुए और इस समय भारतीय टीम की चर्चा है। विश्व कप 2023 के 33वें मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 302 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस मैच में भारतीय तेज गेंदबाजों ने कहर बरपाया। मोहम्मद शमी ने 5 विकेट और मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट झटके। बुमराह को 1 विकेट मिला। भारतीय पेसर्स के आगे श्रीलंका के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए। 358 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए उनकी पारी 55 रन पर सिमट गई। इस बड़ी जीत के बाद कई पूर्व क्रिकेटर्स ने भारतीय तेज गेंदबाजों की जमकर तारीफ की है। वीरेंद्र सहवाग, शोएब अख्तर, इरफान पठान समेत कई पूर्व क्रिकेटर्स ने टीम इंडिया और उसकी गेंदबाजी की तारीफ की है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया की तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। उन्होंने लिखा, विश्व कप में अजय है टीम इंडिया। श्रीलंका के खिलाफ शानदार जीत पर टीम को बधाई। यह असाधारण टीम वर्क और दृढ़ता का प्रदर्शन था। वहीं सहवाग ने तेज गेंदबाजों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए कहा, वानखेड़े को वाका बना रखा है। फिर बुमराह, शमी और सिराज की तस्वीर शेयर करते हुए वीरू ने लिखा, मोहम्मद शमी क्या खिलाड़ी है। विश्व कप में शानदार प्रदर्शन, 14 मैचों में 45 विकेट आश्चर्यजनक है। विश्व कप क्रिकेट में हमारे सबसे ज्यादा तेज विकेट लेने वाले गेंदबाज, उन्हें जितना श्रेय मिलता है उससे कहीं अधिक वो श्रेय के हकदार है। सहवाग ने एक और पोस्ट किया और लिखा, ये दफा 302 जैसा था। भारत को आधिकारिक तौर पर सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए बधाई। बिना पसीना बहाए शानदार जीत। विराट, शुभमन अय्यर, शमी, सिराज और सभी ने बेहतर शानदार प्रदर्शन किया। बात करते हैं महिला हॉकी में। भारत एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में कल रांची में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-0 से पराजित किया। इसके साथ ही भारत समूह चरण की अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गया है। भारत की तरफ से सलीमा टेटे, नवनीत कौर, वंदना कटारिया और नेहा ने गोल किए। कल सेमीफाइनल में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में जापान और चीन आमने सामने होंगे। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए केबीसी न्यूज। व्यंजनों की अनोखी दुनिया में स्वाद का ऐसा सफर जो कभी ना भूल पाएंगे आप, मामा'स फूड कॉर्नर। जैसा हमारा नाम है वैसा हमारा काम भी। चटपटी चाट, स्वादिष्ट व्यंजन, चाइनीज फूड, अमेरिकन मिल्कशेक और बेहतरीन सजावट का लाजवाब मिश्रण। मन होगा खुश और आंखें भी। यहाँ फैमिली भी है और पार्टी भी। ग्रैंड ओपनिंग, मामा'स फूड कोर्ट आपका स्वागत करता है।